हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम गांव छोड़ के शहर आ गए। देखिए मीर सो रहा है अभी। घर में सारा सामान बिखरा पड़ा है। अभी खेत में से बहुत सारी प्याज लेके आए हैं, देख सकते हो। कपड़े का तो धोबी घाट निकला है। ध्रुवी अभी पूजा कर रही है। मीर मीर उठ जाओ, लगता नहीं है 12 बजे से पहले उठेगा, बहुत थक गया है। गाँव से अभी इतनी सारी प्याज लाए है, तुम से साफ कर रही हूँ। दोनों फ्री फायर खेल रहे हैं, देख सकते हो कितनी सारी प्याज है। पूरे साल के लिए बंदोबस्त कर लिया है। मीर उठ जाओ, तुम्हें गांव जाना है आज फिर से। मीर उठ जाओ, नाटक मत। तुम्हें अभी गांव जाना है, शाम हो गई है। अभी क्यों? वो तो मुझे भी पता नहीं, दादा को पूछ लो। दादा तो आएंगे। तू पापा के साथ जा रहा है या घर रहेगा? अब हम सब जा रहे हैं गाइस। अभी मैं नहीं आ रही भाई, गर्मी बहुत है। काले हो जाओगे। यस। दीदी भी नहीं आती, वो तो पूरे दिन पाउडर झपा के घूमती रहती। मुँह पे दुपट्टा बांध के पूरे दिन कॉलेज जा के आती है, पानी पूरे खा के। तो नॉम खा के आती है। तू भी खा के। मैं खाने ही नहीं देता यार, कोई पैसा ही नहीं देता। अच्छा चलो तैयार हो जाओ, अभी 7 बजे जाने का है। ओके। मेरे ख्याल से पता नहीं मेरे को, मैं सो जाता हूँ। अभी एक दिन हुआ, सामान भी अभी खोलना बाकी है, और अभी आज फिर से गांव जाना पड़ रहा है। तुम्हें ना जाना हो तो घर पे ही रहो। जाने का बाद में पड़े, इधर लग गई मेरे को, रोटी भाग गया। तुम झूठ मूठ का नाटक करते हो। चलो रेडी हो जाओ, खाना खा लो। आप चलो ना, मेरे को नींद नहीं आती आपके बिना। नहीं तुम्हें अकेले को जाना पड़ेगा। ये बैकग्राउंड किसने बजाया? ये ध्रुवी। मम्मी हम गोला खाने से भूल जाएंगे बस। तू जा अकेला। अकेला क्या करूंगी यार, मजा ही नहीं आता आपके बिना। अरे मैं परफ्यूम थोड़ा का एक अच्छा सा स्प्रे डालूंगा। गांव जा रहा है इसलिए। तो अभी तो वहां पे जाके तू तो सो जाएगा ना। नहीं मुझे नहीं आना, मैंने तुझे बोला ना। डर लगेगा मुझे। तू मुझे याद करना। कौन करूंगा? मेरे नहीं, पापा के मोबाइल से करते हैं। हमारा क्या चिंता, इधर हमारे वाईफाई लगा हुआ है। तेरे पास थोड़ा होगा गांव में वाईफाई। हाँ वाईफाई में मैं खींच के चला जाऊंगा, तार खींच के चला जाऊंगा। अभी सब गांव जा रहे हैं। आप और दीदी करते हैं। बाय मम्मी। बाय। बाय दीदी। बाय। आज एक दिन बाद मीर गांव जाके आ गया है। क्या करके आए? कुछ नहीं, खेल के आए। अरे कल के ही कपड़े क्यों पहने हैं तूने? नहाया नहीं, पानी नहीं आता उधर। वो सिकुर में एक लड़की ने सुसाइड किया था, उसके लिए ओ पानी की टंकी में। क्या हुआ था? एक लड़की ने पानी की टंकी में सुसाइड किया था, इसलिए पानी घर में टैंकर से जाता है। अच्छा तो नहा लो चलो। क्या लाया मीर तुम? ये देखो मैं पूरा स्टॉक लेके आया हूं।
अरे ऐसे थोड़े लाते हैं सब, ऐसा नाश्ता क्यों लाए इतना सारा? वो तो मेरे को पसंद है। गांव के लड़के जैसा हो गया। मेरे को और दीदी को पसंद है। काला होके आया है तू? हाँ। दीदी देखो आपके लिए क्या लाया है। दीदी तो बोल आपके लिए। शर्मा मुगर रूबी अभी सफाई कर रही है और मिहिर मोबाइल अपना क्या कर रहा है तू मोबाइल में? मम्मी वो गेहूं कब साफ करोगे? हाँ आज हमारे गेहूं भी आ गए बहुत सारे, देखिए गांव से गेहूं आए, अब इसे साफ करना है। सो गाइस गांव में तो बहुत ठंडक थी और इधर बहुत गर्मी है, बहुत ही गर्मी, इधर पंखा फुल कर दिया है हवा, और छत पे सोना चालू किया पर तो भी ऊपर छत पे गर्मी लगती है। सो सिटी में पॉल्यूशन ज्यादा होता है इसलिए इधर बहुत गर्मी होती है, गांव में पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं इसलिए उधर कम गर्मी होती है। अभी सब कपड़े की सफाई चल रही है, देखो जो हम ले गए थे कपड़े वो बैग में भर के ध्रुवी रख रही है।